तो देखिए बिहार में सियासी घमासान जारी है और इस सियासी घमासान के बीच अखिलेश यादव का बयान भी मायने रखता है। अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में बने रहेंगे और गठबंधन को मजबूत करे रहेंगे। अखिलेश यादव ये भरोसा जता रहे हैं कि कुछ बिगड़ा नहीं है। सुनिए जरा उनको। और इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायकों की बैठक बुलाई है। दरअसल बैठकों का ये दौर जारी है। आरजेडी कोटे से जो मंत्री है वो भी इस बैठक का हिस्सा यहां पर बनेंगे। देखिए मौजूदा सियासी विधानसभा का गणित सीधे सीधे ये कहता है कि आरजेडी के पास जिस तरह से 79 यानी 79 सीट्स यहां पर विधायकों के जरिए सत्ता में है, सियासी तौर पर 122 जो है वो जादुई आंकड़ा है। और अगर परिस्थिति ऐसी वाकई बनती है तो अभी मजबूती के साथ यहां पर उन्हें एक जुटता दिखानी होगी ताकि जो टूटन जिसकी उम्मीद की भी जा रही थी मतभेद और मनभेद को लेकर वो यहां पर ना आ पाए। आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आपको अपनी सरकार बचाकर रखनी है। जैसा सबीना ने आपको बताया 79 जो सबसे बड़ा आंकड़ा था इस पूरे नतीजे के बाद जो आरजेडी के पास था, लेकिन बहुमत बनाने के लिए नहीं था, इसीलिए आरजेडी ने जेडीयू से हाथ मिला लिया, नीतीश जी के साथ चल दिया। लेकिन नीतीश जी अभी कहते ना कि नैया डामाडोल होती दिखाई दे रही है। अब आरजेडी ये तय करने की कोशिश कर रही है कि अगर नीतीश जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इधर दो कम पड़ रहे हैं उधर जो है अभी भी कम है। अगर जेडीयू भी पलट गई, जेडीयू भी बिखर गई तो 5 से 6 ही विधायक एक्स्ट्रा है बस जेडीयू के पास अगर वो बीजेपी के पास जाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं लालू यादव के साथ मिलकर उनके बेटे तेजस्वी यादव ये बैठक कर रहे हैं। राबड़ी देवी के घर पर ये बैठक हो रही है कि आखिर सत्ता बचाई कैसे जाए, क्योंकि हम की तरफ से जब हमने संतोष मांझी से बात की तो उन्होंने तो कह दिया देखिए विचारधारा महत्वपूर्ण होती है और हम जो है बीजेपी के साथ ही रहेंगे। बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।